आज हम सीखने वाले प्लेज वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेज वैल्यू क्या होती है और उसकी फेस वैल्यू क्या होती है। अब जैसे हमारे पास एक नंबर्स है 2, 3, 6, 6, 5, 1, 10, 100, 1000, 10,000, कितना है 10,000, ठीक है 23,665 है। तो भाई ये होता वंस, ये क्या होता वंस, इसको यूनिट प्लेस भी बोलते हैं, यूनिट प्लेस भी बोलते हैं। ये होता है टेंस, टेंस मीन्स 60, ये कितना लिया सिक्का, अगर हम इसको देखेंगे तो इसको 5 लिख, वंस प्लेस में तो 5, ये 60 लिखा जाएगा। ये होता है 100 पे, कितने पे 100 पे, HUNDRAD 100 पे, कितना भाई 1, 2, कितने 1, 2 डिजिट से पहले है तो कितने जीरो लगेंगे 2 डिजिट, 1, 10, 100। और ये है नंबर, ये है 1000 पे, कितने पे 1000 पे, अब देखिए कितने नंबर है 1, 10, 100, कितने 1, 2, 3, तो कितने जीरो लगेंगे 1, 2, 3 1000 पे, ठीक है। और ये है 10,000 पे, 10,000 पे हम कितने है 2 है, कितने 1, 2, 3, 4, कितने जीरो लगेंगे 1, 2, 3, 4, तो ये है 2000। तो इस तरह इनकी हम प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। और बात करेंगे हम इसकी फेस वैल्यू की, तो भाई 5 की 5 देख रहे, फेस वैल्यू कितना दिखाई दे रही है, इसकी फेस वैल्यू 6 है, ठीक है 60 है, ठीक है जो इसकी सेम वैल्यूज है वही उसकी फेस वैल्यू मानी जाएगी 6, ठीक है 6 की 6 है, अगर हम 6 के देख 7 के जाएंगे तो 7 है, 3 की 3 है, इसकी फेस वैल्यू, ठीक है। अगर हम देखो एक हमारे पास क्वेश्चन हो रहा है 3, 4, 6, 7, 8, अब हमने 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी तो क्या होगी, पहले हम 3 लिख देंगे, अब देखेंगे 1, 10, 100, 1000 कितने पे 1000 पे, तो 1, 2, 3, 4, तो कितने जीरो लगेंगे 1, 2, 3, 4 जीरो लगेंगे, ठीक है। अगर मेरे पास 5, 6, 7, 8, मुझे 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, ठीक है 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगा, हम पहले 6 लेंगे, देखेंगे 1, 10, 100, 100 पे कितने जीरो 1, 2, 2, 0, तो इस ढंग से हम प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। तो थैंक यू।